हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं सब? आई होप यू आर वेल एट योर होम। तो आज हमने एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको ये वीडियो बनाई है। क्या है कि हम करवाएंगे कंप्लीट मैथ यूट्यूब पर, फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी तक किसी ने यूट्यूब पर कंप्लीट मैथ नहीं करवाया है। सब अपनी वीडियो डालते हैं, एक दो दो चार चार पाँच पाँच दस दस वीडियो डालते हैं, उसके बाद नहीं डालते। हम आपको कंप्लीट मैथ करवाएंगे। किसके लिए? टीचिंग एग्जाम के लिए। अच्छा, टीचिंग एग्जाम के लिए भी कौन सा? 70 मार्क्स का मैथ। अब वो भी 70 मार्क्स का कौन सा मैथ आता है भाई? इसके अंदर आता है 60 मार्क्स का तो सब्जेक्ट का, आपका सब्जेक्ट जो स्पेशल होता है वो। उसके बाद आता है 10 मार्क्स का कॉमन मैथ, वो सबके एग्जाम में आता है 10 मार्क्स, एसटेट के अंदर तो स्पेशल आता है। 10 मार्क्स का मैथ आता है, 10 मार्क्स की रीजनिंग आती है, और 10 मार्क्स की वो हरियाणा बेस्ड कुछ क्वेश्चन होते हैं, और 60 मार्क्स का होता है सब्जेक्ट का मैथ। तो टोटल तो हमारे 70 हो गए ना, तो हम आपके 150 में से 70 मार्क्स का काम करवाएंगे। एसटेट का एग्जाम 150 का होता है, उसमें से 70 मार्क्स का काम हम आपका करवाएंगे यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, उसके अंदर भी वीडियो हम आपकी अलग अलग डालेंगे, जैसे कि टीजीटी के लिए अलग और पीजीटी के लिए अलग। क्यों? पर मैथ ही तो पढ़ाना है, टीजीटी पीजीटी के लिए एक बना दे नहीं। मान लो सपोज करो इतना सारा आपका सिलेबस है ना, तो टीजीटी के अंदर तो सिर्फ इतना ही आता है। अगर आपको सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करना है तो टीजीटी वाले पढ़े ये, और पीजीटी वाले पढ़े सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो नॉलेज चाहिए तो दोनों पढ़े। अच्छा, लेकिन पीजीटी वाले को क्या ये वाला नहीं पढ़ना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो काम मैं टीजीटी वाले में करवा दूंगी वो काम मैं पीजीटी वाले में नहीं करवाऊंगी। तो पीजीटी वाले को दोनों पढ़ना पड़ेगा, टीजीटी भी और पीजीटी भी। हाँ, जिसको टीजीटी क्वालिफाई करना है वो सिर्फ टीजीटी पढ़ सकते हैं। हाँ, टीजीटी आपका एसटेट तक, जब एसटेट होगा तब तक टीजीटी का सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन पीजीटी वाला सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि पीजीटी वाले सिलेबस के अंदर 6 मंथ आपको मिनिमम चाहिए। दूसरी बात, लेकिन एसटेट के एग्जाम तक हम आपके इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करवा देंगे। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो पीजीटी के अंदर हम आपके एग्जाम होने तक करवा देंगे, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। मैंने लास्ट ईयर सब ऑब्जर्व कर लिया है जिनमें से ज्यादा, और लास्ट ईयर के सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर। अच्छा, दूसरा, जो लास्ट ईयर क्वेश्चन है वो मैं क्लास में भी डिस्कस करूंगी। क्वेश्चन आपको मिलेंगे, सॉल्यूशन मैं क्लास के अंदर डिस्कस करूंगी। कब? जब, जैसे कि मैं हमारा भी सीरीज चल रही है ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री जैसे ही कंप्लीट होती है मैं आपके सामने सारे लास्ट ईयर क्वेश्चन ले आऊंगी सारे, और जो टॉपिक के साथ साथ हो रहे हैं वो तो हैं। अच्छा, सारे लास्ट ईयर एसटेट के भी, सब टीचिंग एग्जाम के लास्ट ईयर, और बकायदा आपको बता के कि ये एसटेट उस ईयर में आया हुआ है, ये एसटेट उस ईयर में आया हुआ है, ये डीएसएसबी में आया हुआ है, ये एनवीएस में आया है, ये केवीएस में आया है, सब क्वेश्चन मेरे पास कलेक्ट हैं। बस उनको एक वे में लगाना बाकी बचा है, वो मैं आपके ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट होगी तब तक कर लूंगी, और सारे क्वेश्चन आपको सीरीज में दूंगी। अच्छा, सारे क्वेश्चन आपको पीडीएफ फॉर्म में, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी, और लास्ट ईयर भी मिलेंगे। जो मैं क्लास में कराऊंगी वो नोट्स भी आपको मिलेंगे, होमवर्क भी आपको मिलेगा, पूरा एक प्रॉपर तरीके से पढ़ाई होगी हमारे चैनल पर। तो इसके लिए आपको कोई बुक्स भी खरीदने की जरूरत नहीं। मैं आपको इतने क्वेश्चन दे दूंगी, वो क्वेश्चन कर लोगे ना सोल्व, तो आपको 70 में से कोई भी मिनिमम 60 मार्क्स रोक नहीं पाएगा आपके। इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस और क्लास में प्रैक्टिस कर लेंगे हम, किसी मिनिमम 60, मैंने ये नहीं कहा 60, मिनिमम 60 नंबर्स को रोक नहीं पाएगा। तो हमारे ये इंफॉर्मेशन है हमारे बैच की, तो आज तक के लिए इतनी इंफॉर्मेशन है। और सीरीज हम ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्ट कर चुके हैं, एक क्लास डाल दी थी मैंने, एक क्लास मेरी आज हो जाएगी, तो दोनों क्लास आप देख लीजिए, और इसके बाद रेगुलर क्लासेस चलेंगे। टीजीटी के लिए अलग, टीजीटी के लगभग 20 टॉपिक्स होते हैं,
तो लगभग 1 मंथ में या 40 डेज में कंप्लीट हो जाएंगे। अगर ये 21 को होता है तो मैं दिन में दो दो वीडियो बना के भी डाल दूंगी, तो आपका सिलेबस हो जाएगा टीजीटी का, तो कोई ज़्यादा वो नहीं है। हाँ पीजीटी का नहीं हो पाएगा, पीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेंगे। तो आज के लिए ये इन्फॉर्मेशन है, इसके अलावा कोई भी डाउट्स हो आपको तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगी। बस इससे ज़्यादा तो अभी कुछ नहीं है, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारी सब वीडियोस आपके आपको मिलती रहें टाइम टू टाइम, क्योंकि मैं दिन में ज़रूरी नहीं है एक ही वीडियो डालूँ एक फिक्स टाइम पर, मुझे टाइम मिलते मैं दूसरी वीडियो भी बना के अपलोड कर दूँगी। तो जैसे ही वीडियो बना के अपलोड करूँ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आपके लिए भी बेनिफिट हो, क्योंकि अभी एसटेट का 1 महीना बचा है, और साथ में अभी कल रेट की इन्फॉर्मेशन भी आई है, तो मैथ है वो तो सब में सेम आना है, तो एसटेट रेट दोनों के लिए यूज़फुल होगा। ओके थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय।